बस इधर ही करते हैं, इधर ही करते हैं। बस बस पहले विजुअल, पहले फोटो हो जाए ना। रुक जाओ भाई, रेडी कर रहा हूँ। चेक बहुत एक्साइटेड हूँ। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। एंड एक्चुअली ये ट्रेलर लॉन्च पे टुडे आई एम हर आम कैंडी। नाउ वी हैव बीन इनवाइटेड बाय मोना एंड अनिल सर। वी आई हैड डन उनका एक रात्रि की यात्री, मैंने एक एपिसोड किया था उसमें। एंड इट आई डोंट नो इफ यू मस्ट हैव वॉच्ड इट, केम ऑन हंगामा। तो सो या, सो आई एम हियर, इट्स अ सेकंड पार्ट ऑफ रात्रि की यात्री। तो वी आर हियर टू विश देम ऑल द बेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके का प्यार मुझे मिल रहा है, जिस अमाउंट में प्यार मुझे मिल रहा है, दैट इज़ ओवरवेलमिंग। क्योंकि रेयरली हैव आई सीन अ नेगेटिव कैरेक्टर गेटिंग सो मच लव, पीपल लविंग देम। कैट है हाँ, मेरे घर पे दो बिल्लियाँ हैं, सॉरी। बट या, जिस तरीके का लव, क्योंकि आज भी एक सम ऑफ दीज ये इंस्टाग्राम पे जो पोर्टल्स होते हैं, मीडिया पोर्टल्स, उस पर एक कॉम्पिटिशन हुआ था। एंड टू सी कमेंट्स कमिंग, यू नो, तेजस्वी के लिए बहुत सपोर्ट आया, सिम्बा के लिए बहुत सपोर्ट आया, एंड देन मेरे लिए भी इतना सपोर्ट आ रहा था। तो आई वॉज लाइक, यार मुझे दो ही हफ्ते हुए एंड आई एम डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर वेर आई एम गोइंग अप अगेंस्ट सिम्बा एंड तेजस्वी एंड स्टिल गेटिंग दिस लव। आई थिंक आई कुडन्ट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग मोर। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीवन। आई एम ग्लैड कि सबको मेरा काम पसंद आ रहा है, और बस ऐसे ही प्यार देते रहना एंड आई कीप डूइंग व्हाट आई डू फॉर यू गाइज। आई लव यू ऑल। The TRP goes up because of the writers and because of the people's love, and किसी की वजह से कम या ज़्यादा नहीं होता। Of course, every actor gets their USP on board and to the show, and he has his own USP to Nagin 6 because I hear the reviews, I hear people loving him. Yeah. So he's getting the USP of Zeeshan Khan. And, exactly. I'm getting something new to the character, new to the show. तो ऑब्वियसली एंड लास्ट टाइम आई हैड सीन के यू नो इट्स जंप फ्रॉम इन द ऑनलाइन टीआरपी सेक्शन इज जंप फ्रॉम 10 टू नंबर 3। सो आई थिंक पीपल आर लविंग द स्टोरी, पीपल आर लविंग व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू इट, एंड यू नो एक यू नो देयर इज समथिंग डिफरेंट नाउ। तो ऑब्वियसली हमको बहुत प्यार मिल रहा है एंड मुझे मिल रहा है, शो को मिल रहा है। आई कुडन्ट आस्क फॉर एनीथिंग मोर। यस, ये तो ऑलरेडी खतरों से खेल के आए हैं बिग बॉस और फिर लॉकअप में। आई थिंक ही शुड गो टू खतरों के खिलाड़ी। आई वुड लव टू बट अभी तक कोई बात नहीं हुई है मेरी। तो हेलो, अभी तक कोई बात नहीं हुई है मेरी। तो ऑब्वियसली आई वुडंट लाइक टू, यू नो, ये क्या बोलते हैं, ऐड फ्यूल टू फायर। तो ऐसा कुछ अभी नहीं हो रहा है, मे बी इन द फ्यूचर हो सकता है, बिकॉज यू नो बिग बॉस लॉकअप, आई मीन उठा के देख लो यार, एक ही बंदा था जो टास्क एस करता था। खतरों इज अ गेम ऑफ टास्क। सो With time, I guess. Exactly, yes. Because right now I'm focused on Nagin. I'm focused on my character, my performance in Nagin. Because obviously, there's a lot that I have to, you know, live up to in terms of expectations of people, my fans. And somewhere I am, because a lot of love is coming. So I just want to make sure this is kept.
तो अभी फिलहाल आई एम फोकस्ड ऑन दिस. जैसे ही कुछ और होगा नया आई विल लेट यू गाइस नो फॉर श्योर. अभी नागिन में गाइस हम पार्टी करने आए हैं, हम पार्टी जाएं. हाँ, पर मैं एक स्पॉइलर देता हूँ, मैं नागिन को मारने वाला हूँ. नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है. अब तांडव भी हुआ है, अभी देखो यार. तांडव नहीं होगा तो क्या होगा भाई. शेष सैटरडे का एपिसोड में अब शेष नागिन है, नेवला है, अब वो तांडव डांस करिए. दैट मींस यू नो कुछ तो होने वाला है, बिकॉज वो एक यू नो वो होता है ना कि टू गेट हर पावर्स अप एंड यू नो उसका वो पूरा होता है. तो अगर वो इतना पावर्स अपने बढ़ा रही है, नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा हूँ नागिन. थैंक यू. बस आई डिडंट नो दिस, कांग्रेचुलेशंस. थैंक्स यार, ये अभी मुझे पता चला है. कहाँ पर? ट्विटर पे. वाओ. थैंक यू, थैंक यू. ये क्वेश्चन का जवाब बेटर है, यू नो. अगर नहीं नहीं मैं तो बोलूंगा. आई गेस नहीं, बट यार आई एम ग्लैड कि यू नो नागिन इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर वन. पीपल आर लविंग द शो, पीपल आर लविंग व्हाट आई हैव ब्रॉट टू द शो. एंड ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा, यू नो ऑल जोक्स अपार्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही मेरे वजह से, अगर मेरे वजह से ही टीआरपी बढ़ती तो यार बाकी कास्ट की ज़रूरत ही नहीं होती. एक मेरे लाइफ पे ही शो बन जाता. तो आई डोंट थिंक इट इज़ ओनली मी. आई थिंक मेरा एडिशन विद एवरीवन एल्स अलॉन्ग विद द होल स्टोरी बीइंग यू नो brought in this whole segment जो अभी आया है नेवले और इसका fight का and everyone else. तो I think हम लोग सबका जो team effort है रंग ला रहा है, हम लोग trend कर रहे हैं. Like you said, I couldn't be happier यार. This तो is off screen यार. I'll tell you, तेजस्वी है ना, तेजस्वी मेरा और सिम्बा का तो बहुत मज़ा होता है कि हम लोग मस्ती अस्ती करते रहते. तेजस्वी और मेरी है ना वो आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, नोक जोक होती है या क्या, बट अगर मैं कुछ भी मस्ती करूँ और यू नो एक बार वो होता है ना कि डायरेक्टर हमको कहते हैं कि अच्छा अभी सब साइलेंट हो जाओ सेट पे, मैं सीन समझा रहा हूँ, और मैं और सिम्बा ना ऐसे मस्ती अस्ती कर रहे होते हैं और अचानक से तेजस्वी बोलते सर ये देखो ना क्या हो रहा है, ये लोग चुप भी, मैं सुन ही नहीं सकती हूँ. और मैं ऐसे देखता हूँ कि तेजस्वी मैं अकेला बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी है. और वो ना देख के ऐसे हंसेगी कि अटका दिया देखो. तो हमारी वो एक मस्ती चलती है. तो एंड शी मेक्स मी फील वेरी वार्म कंफर्टेबल. एवरीवन यार आई थिंक बहुत अच्छी कास्ट है, लवली पीपल एंड आई एम रियली ग्लैड आई एम वर्किंग विद देम. या अब अगर ऐसा हो सका तो वाई नॉट यार. आई थिंक बहुत मज़ा आएगा टू वॉच करण. इनफैक्ट मैंने करण को बोला भी था कि यार यू नो नाम ऑन नागिन and I've seen के तुम आते रहते हो set पे, I hope I get to see you. तो he was like हाँ हाँ मैं जब भी आऊँगा let you know. तो I'm waiting के when I go to shoot करण भी आए और you know हम सब साथ में बैठे मज़े करें. but हाँ अगर एक episode में हो गया तो और भी मज़ा आएगा यार. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस लाइक दिस. थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड फॉर गिविंग अस सो मच लव. एंड हम लोग आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहेंगे, बस ऐसे ही प्यार देते रहना. थैंक यू, थैंक यू गाइज, थैंक यू.